नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से मिल रही है जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का स्टिंग मामला, जिसमें सीबीआई जांच मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नैनीताल में सीबीआई जांच मामले में आज सुनवाई होनी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का स्टिंग से जुड़ा यह मामला, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, आज नैनीताल हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जस्टिस सुधा धूलिया की कोर्ट में सिंगल बेंच में आज केस लगा है और अब से लगभग 11 बजे ये केस की सुनवाई होगी। ये 39 नंबर पे कोर्ट में लगा हुआ है और हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई जांच का जो चार्जशीट है उस पर जिसमें आज चर्चाएं होंगी। न्यायालय ने पहले भी इसमें सीरियस रुख अपनाते हुए, बहुत सख्त रुख अपनाते हुए काफी सारी ये सवाल करे थे और सीबीआई ने भी अपने कागज सब दाखिल कर रहे हैं। आज कपिल सिब्बल के आने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल पंतनगर के रास्ते लगभग 11 बजे तक नैनीताल पहुंचेंगे और कोर्ट में सीधे शामिल होंगे चर्चाओं में। जी कमल, सुनवाई के दौरान क्या कुछ आज खास और अहम रह सकता है? जी, सुनवाई में तो सबने अपना अपना पक्ष रख ही दिया है लगभग और कोर्ट में अब निर्णय लेने के नजदीक है और ऐसा माना जा रहा है कि आज कुछ कोर्ट सीरियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है राज्य सरकार को या फिर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हरीश रावत के अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी न्यायालय कोई जवाब देने के लिए बोल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमल इस जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बड़कोट से मिल रही है यमुना घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। राणी टॉप के 12 किलोमीटर सड़क मार्ग पर यह बर्फ जम चुकी है। आपको बता दें, 2 फीट तक बर्फ जमने से जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनें भी लगा दी गई हैं। तो एक तरफ पर्यटक और स्थानीय व्यापारियों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनके लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। राणी टॉप के 12 किलोमीटर तक सड़क मार्ग पर बर्फ जमी हुई है, जिस वजह से वहां से आने गुजरने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिस कारण रास्ता बंद हो चुका है और बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन भी लगाई गई है। ये तस्वीर आप देखिए, भारी बर्फबारी यहां पर हो रही है। राणी टॉप के 12 किलोमीटर तक सड़क मार्ग बंद हो चुका है। यमुना घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर आप देख सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे हैं सड़क मार्ग बंद हो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ बड़कोट ही नहीं, जोशीमठ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। औली से जोशीमठ मुख्य बाजार तक बर्फ जमी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो बड़कोट के अलावा औली में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसको हटाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार भारी बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में भी भारी बर्फबारी हो रही है, औली में भी और बड़कोट में भी भारी बर्फबारी के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि 3 से 4 फीट, तो बड़कोट में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसे हटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जोशीमठ में भी लगातार अब भारी बर्फबारी हो रही है। औली में भी बर्फबारी की वजह से जो मुख्य बाजार हैं वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। 3 से 4 फीट तक की बर्फ जम चुकी है, जिससे वहां पर गुजरने के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, भारी बर्फबारी के कारण
रास्ते बंद हो चुके हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी अगर बात करें तो अभी लगातार चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में काफी बर्फबारी हो रही है। देर रात लगभग 2 से 3 फीट बर्फ यहाँ पे गिरी है। रास्ते पैदल रास्ते भी बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पैनी से लेकर जोशीमठ तक वो भी बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा जोशीमठ औली मोटरमार्ग, जोशीमठ मलारी मोटरमार्ग और जोशीमठ माना मोटरमार्ग भी इस समय बंद हो गया है। कहीं ना कहीं बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। अब जैसे जैसे मौसम सही होगा, धूप निकलेगी, प्रशासन को अब युद्ध स्तर पर कार्य करके इन सड़कों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हजारों गांव इन सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है अगर ये मार्ग समय पर नहीं खुले। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी अपडेट ये बता दूं कि कल देर रात से जोशीमठ के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी कट चुकी है, जिससे अंधकार में हजारों गाँव के लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो हुई है आज बहुत ही मुश्किल भरी लोगों के लिए हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टॉप के पास बाधित है, सुवाखोली मोटर मार्ग मोरियाना के पास बाधित है, लमगांव मोटर मार्ग चौरंगी के पास भी बाधित है और साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। तो काफी ज्यादा परेशानी भारी बर्फबारी के कारण उत्तरकाशी में बर्फबारी से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भी लोगों की नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि घंटों तक उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। संविधान के 126वें संशोधन को सदन के पटल पर रखने के लिए यह सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के मद्देनजर अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में SC/ST आरक्षण बिल को पास करवा चुकी है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया है। अब राष्ट्रपति से इसे अनुमोदन मिलना है और इससे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित कराया जाना जरूरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित, क्या आज एक दिन के सत्र में भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्या? अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक और सर्वदलीय बैठक जो है विधानसभा अध्यक्ष कल ही ले चुके हैं। और इसमें खास बात यह है कि 2019 में संविधान में जो प्रोविज़न था SC/ST को आरक्षण देने का, 2019 में उसकी मियाद ख़त्म हो गई थी और केंद्र सरकार ने, जैसे अभी आपने बताया, केंद्र सरकार ने दोनों हाउसेज में पास कराने के बाद इसको सभी राज्यों को भेजा है। तो चूंकि जब भी संविधान संशोधन की बात होती है, ऐसा कोई लॉ होता है या ऐसा कोई फैसला लेना होता है, तो उसमें 3/4 राज्यों की विधानसभाओं का प्रस्ताव भी पास होकर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत आज उत्तराखंड में एक दिवसीय से ये विधानसभा का सत्र रखा गया है और बारी बारी से सभी राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आज हमारे यहाँ ये उत्तराखंड में जो सत्र होगा तो इसमें इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और इसको पास कराकर राजभवन से इसको वीटो कराकर इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो जहाँ तक हंगामे की बात है, तो चूंकि प्रश्नकाल थोड़ा चलेगा तो प्रश्नकाल में विधायकों के मुद्दे होंगे, सवाल होंगे, उसके जवाब सरकार को देने होंगे, तो ये जो सब चीज़ें होंगी और सरकार थोड़ा बहुत और भी बिजनेस लाएगी, केवल ये प्रस्ताव ही खाली आज पूरे दिन में नहीं होगा, कुछ और भी बिजनेस होगा जो सरकार को पूरा कराना है, जो सरकार को विधानसभा से पास कराना है। तो उस दौरान विपक्ष अपने तेवर जरूर दिखाएगा, जैसे कल ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जो SC/ST वाला जो प्रस्ताव है वो कोई इश्यू ही नहीं है, वो तो पास होना ही है, उसमें विपक्ष भी समर्थन करेगा, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं सरकार को उन पर सरकार की घेराबंदी जरूर की जाएगी। और जो जनहित के मामले हैं, जो लटके पड़े हैं, जो सही से निर्णय नहीं हो रहे हैं, अभी जैसे अभी जो इस समय जो समस्या चल रही है, जो बर्फ़ से जो रास्ते बंद हैं, बर्फ़ गिरने से, और तमाम जो समस्याएं हैं जो पिछले विधानसभा सत्र में उठी थी, जो कुछ सवाल पिछले विधानसभा सत्र में रह गए थे, उन पर आगे बहस बढ़ाने का आज
पूरा प्रयास विपक्ष करेगा और विपक्ष की पूरी तैयारी है और उधर सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी की है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अपने विधायकों की बैठक में ये सब चीजें डिस्कस कर ली है। विचार विमर्श करने की बेहद जरूरत है, वो चाहे बिजली के बढ़ते दाम हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष घेर सकता है आज सदन में? हाँ, देखिए दीपिका, बिजली के बढ़ते हुए दाम हैं, गन्ना किसानों का इस बार एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया गया जो समर्थन मूल्य है, तो ऐसे कई इश्यूज हैं जो विपक्ष जो है अपने तर्कस में ऐसे कई तीर लेकर विधानसभा के रण में उतरेगा और उसी पर आज पूरा हंगामा होने के भी आसार है। जी दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया अजित आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देहरादून नगर निगम का दायरा तो बढ़ा दिया गया है लेकिन कर्मचारियों की कमी से निगम आज भी जूझ रहा है। निगम का इलाका बढ़ने के बाद भी लगभग 700 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव पिछले 6 महीने से शासन में अटका है। युवा भी निगम में भर्तियां खुलने के इंतजार में हैं। कुल 60 वार्ड्स के हिसाब से निगम में पहले से ही स्टाफ कम रहा है। सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के 100 वार्डों के हिसाब से मौजूदा स्टाफ तो बहुत ही कम है। नगर निगम में 72वां गांव शामिल होने पर निगम ने शासन को कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था जिसे 6 महीने का समय हो चुका है। शासन स्तर पर अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नगर निगम को नहीं मिली है। अभी नगर निगम में जो नए वार्ड जुड़े थे तकरीबन 40 वार्ड नए ऐड हुए थे, तो उसमें भी कर्मचारियों की कमी है और ये करीब 650 से 700 कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसका प्रपोजल ऑलरेडी शासन को भेजा जा चुका है और साथ ही साथ डोर टू डोर कलेक्शन का भी उसमें एजेंसी का एक निर्णय होना है और अगर शासन सहमत मिलेगी तब हम उसका टेंडर करेंगे, लेकिन अभी दोनों शासन स्तर पर लंबित हैं। जैसे ही शासन से इसकी अनुमति प्राप्त होगी तो हम लोग इस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। उत्तराखंड में वामपंथी संगठनों से जुड़े 10 ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ 8 जनवरी से एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ट्रेड यूनियनों ने इस दौरान ट्रेड समेत सड़क परिवहन की सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया है जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहने की आशंका है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ इस हड़ताल में किसानों और बैंक कर्मचारियों को भी शामिल होने की संभावना जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने ट्रेड यूनियन कानून 1926 में संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कथित पारदर्शिता के नाम पर मनमर्जी कर रही है जिससे बंधुआ मजदूरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। नागरिकता कानून का सवाल खड़ा कर देती है, कभी मंदिर का सवाल खड़ा कर देती है, कभी ये बताती है कि JNU और ऐसे संस्थानों में टुकड़े टुकड़े गैंड और अर्बन नक्सल हैं। ये बुनियादी तौर पर जनता को विभाजित करके अपने जो संकट है आर्थिक संकट उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मजदूर आंदोलन मानता है कि यह ऐतिहासिक जवाबदेही उसकी है कि 8 जनवरी को बुनियादी सवालों पर जो जनता के सवाल हैं, रोजी रोटी का सवाल है, उसको लेकर देशव्यापी हड़ताल कर। प्रदेश में मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में नियम कायदे को ताक पर रखकर आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, इसकी बानगी थैली सेंड क्षेत्र मझगांव से पोखरी जाने वाली PMGSY की सड़क को देखकर लगाया जा सकता है जहां गुणवत्ता को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क पर बने पैराफीट गुणवत्ताहीन है। वहीं यहाँ की सड़क बने अभी 1 महीने ही बीता है लेकिन सड़क अपनी खामियां दिखाने लगी। सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश का एक ठेकेदार करवा रहा है जिसने PMGSY के सभी नियमों को ताक पर रखकर विभाग को भी ठेंगा दिखा डाला। ग्रामीण सड़क निर्माण से नाखुश हैं क्योंकि कई गांव की पेयजल लाइनें भी सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और बागेश्वर शहर में इन दिनों आवारा जानवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। आवारा जानवर किसानों की खेती को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से कई बार आवारा जानवरों को गौ सदन भेजा जा चुका है। आवारा जानवरों के चलते राहगीरों को भी खतरा बना हुआ है। आवारा जानवर पूर्व में कई लोगों और स्कूली बच्चों को चोटिल भी कर चुके हैं। वहीं 14 जनवरी से बागेश्वर में उत्तरायणी मेला शुरू होना है और ऐसे में आवारा जानवर भीड़ में किसी को भी चोटिल कर सकते हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल का कहना है कि पालिका पूर्व में करीब 90 आवारा जानवरों को बाजपुर गौसदन भेज चुकी है।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पालतू जानवरों को नगर में छोड़कर जा रहे हैं। विगत वर्ष भी हमने मेले से पहले हमने यहाँ से लगभग 90 से ऊपर जानवरों को हमने सुरक्षित स्थान बाजपुर गौसदन में पहुँचाया था। तो उसके बाद भी अभी यहाँ पर कुछ हमारे ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर आवारा जानवर फिर छोड़ दिए गए हैं, तो हम बहुत जल्द मेले से पहले इनको भी हमारी गौसदनों में बातचीत चल रही है तो इनको गौसदनों में पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। और अगली खबर खटीमा से, जहां पर भाजपा विधायक ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाली। यहां विधायक पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई और लोगों को इस रैली के जरिए जागरूक भी किया गया। और हल्द्वानी में रामलीला मैदान में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर सीएए के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ये नागरिकता कानून देश की भलाई और सुरक्षा के लिए है, जिसका सभी पूर्व संगठन समर्थन कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन केबीएस रतौले ने कहा कि एक सैनिक हमेशा राष्ट्रहित की बात सोचता है और उसे किसी राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहतर कदम है, इसीलिए पूर्व सैनिक उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरा आज के कार्यक्रम में पहुंचे। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में कोटद्वार में भाजपा ने एक विशाल रैली निकाली। इस रैली के जरिए बीजेपी ने सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों को समझाने की कोशिश की तो विपक्ष पर पलटवार भी किया। इस रैली में वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली नजीबाबाद रोड के एक वेटिंग पॉइंट से शुरू होकर लाल बत्ती चौक, झंडा चौक, बद्रीनाथ मार्ग होते हुए तहसील परिसर में खत्म हुई। रैली को संबोधित करते हुए हरक सिंह रावत ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और विरोधी दल पर जमकर निशाना साधा। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो नागरिक संशोधन विधेयक 2019 है उसके समर्थन में हम जन जागरण करेंगे, पूरे देश के लोगों को बताएंगे कि जो लोग कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं इस कानून के बारे में, उस भ्रम को दूर करेंगे और ये जीवन एक तरह से जीवन है। और इसलिए हम आज मोदी अमित शाह का, भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कोटद्वार विधानसभा के लोग। और इसलिए आज आभार व्यक्त करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं कि ये कानून निश्चित रूप से बहुत उन लाखों लाखों लोगों को मरम लगाने वाला कानून है, अच्छा निर्णय ले सकता था। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2020 की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। इस बार ये परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी। 2 मार्च को इंटर हिंदी और 3 मार्च को हाई स्कूल हिंदी की परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1,324 परीक्षा केंद्र बनाए गए और इस साल इन परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल में 1.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। वह इंटर में यहां पर संख्या 1,21,000 से ज्यादा है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेंगे। 2 मार्च को इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर होगा तथा 3 मार्च को हाई स्कूल हिंदी का पेपर होगा। 1,324 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक परीक्षार्थी हमारे हरिद्वार जिले में हैं तथा सबसे कम परीक्षार्थी चंपा जिले में हैं। हमारे हाई स्कूल की परीक्षा में 1,50,289 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,21,126 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। और हल्द्वानी में कमिश्नर राजीव रौतारा ने अपने कैंप कार्यालय में नैनीताल उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जमरानी बांध परियोजना में आने वाले प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सर्वे के कार्य की समीक्षा की। इस दौरान कमिश्नर ने जमरानी बांध के डूबे क्षेत्र में आ रहे 425 परिवार और 821 खातेदारों
विस्थापन के लिए तैयार की जा रही सर्वे रिपोर्ट को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों के लिए उधम सिंह नगर के 4 क्षेत्रों में जमीन तलाश कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया। नौ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में देहरादून पुलिस नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, जिसके लिए पुलिस को शासन ने अनुमति दे दी और अब दून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जल्द एसएलपी दाखिल करने जा रही है। दरअसल साल 2017 में ऋषिकेश में एक दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली थी, जिसमें 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार के बाद उसको और उसकी 6 साल की छोटी मासूम बहन की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने जांच में दोषी पाते हुए गुरुद्वारे के सेवादार परवान सिंह को 14 गवाहों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में पेश किया था, जिसमें साक्ष्यों के तहत दून के पॉक्सो कोर्ट ने सेवादार को दोषी पाया और 24 अगस्त 2018 को फांसी की सजा सुनाई थी। पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए सेवादार परवान सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सेवादार को दोषी न पाते हुए बरी कर दिया, जिस पर अब दून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दर्ज करने जा रही है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट से परमिशन लेने का, ताकि हम इसमें एसएलपी फाइल कर पाएं सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें परमिशन मिल गया है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने का और बहुत जल्दी इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एसएलपी फाइल करेंगे। मसूरी में बर्फबारी के बाद लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। मसूरी घंटा घर से दुकानों को जाने वाले जो रास्ते हैं वो सड़क पर बर्फ होने के कारण जाम लग रहा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन और नगर पालिका के सभी दावे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों की माने तो सड़क से जेसीबी या फिर मापकाट के माध्यम से बर्फ को हटाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इससे लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में बर्फबारी के बाद हो रही दिक्कतों को लेकर चिंता जताई है और मुख्य सचिव देहरादून से वार्ता कर समस्या के हल की बात भी कही गई। खबर टिहरी जिले से है, जहां पर घनसाली में कुत्तों का पीछा करते हुए एक गुलदार घर में घुस गया और फिर अचानक से अपने आप कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बाघ कमरे में कैद हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को कमरे से बाहर निकालने में जुट गई। गुलदार के रेस्क्यू में लगभग 2 घंटे का समय लगा और इस बीच गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप जरूर देखें हमारा खास बुलेटिन प्रदेश प्लस। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।